नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले क्रिस डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में डेंगू के डंक से स्कूली छात्र की हुई मौत। नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। भागलपुर में फॉरेंसिक लैब का डीआईजी विकास वैभव ने किया उद्घाटन। अनुसंधानकर्ता को समय पर मिलेगा एफएसएल रिपोर्ट। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने झोंकी ताकत। कार्यकर्ता उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। बंधन बैंक कर्मी लूट मामले में शातिर अपराधी लालजी यादव गिरफ्तार। लूट के रुपए हुआ बरामद। और निगम प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर समाज सेवियों ने दिया धरना। डॉक्टर अजय ने दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में डेंगू के डंक से मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार को बैंक कॉलोनी में जहां 8वीं के छात्र प्रियांशु की डेंगू ने जान ले ली, वहीं बुधवार को जब्बारचक में डेंगू से पीड़ित स्कूली छात्र मोहम्मद आसिफ ने दम तोड़ दिया। डेंगू के कारण आसिफ की मौत की खबर सुनते ही परिजनों और आसपास के लोगों में कोहराम मच गया। साथ ही घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। वार्ड संख्या 15 के जब्बारचक में पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद असगर अली का छोटा भाई मोहम्मद टीपू सुल्तान, मोहम्मद आतिफ, रसीद समेत दर्जनों लोग डेंगू के शिकार हो चुके हैं। पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद असगर अली ने बताया कि पिछले एक माह से पूरा वार्ड डेंगू की चपेट में है, फिर भी निगम के अधिकारी लापरवाह बने हुए। चूना, ब्लीचिंग, फॉगिंग और केमिकल की मांग कई बार निगम से की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। वहीं मुस्लिम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने कहा कि जब्बारचक इलाके में फॉगिंग की सख्त आवश्यकता है, जबकि मोहम्मद मुमताज ने जनप्रतिनिधियों से वार्ड में अविलंब केमिकल छिड़काव की मांग की। वहीं वार्ड 15 की साफ सफाई भगवान भरोसे। क्षेत्र में जगह जगह नाले का गंदा पानी फैला हुआ है और जिम्मेदार सिर्फ लिपा पोती करने में लगे हैं। डेंगू के कारण मेरे भाई का एक्सपायर हुआ है, कोई देख रेख नहीं है सरकार की तरफ से। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मोहल्ले में परेशान है। 15 नंबर वार्ड में बहुत हालत खराब है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वार्ड मास्टर कितना क्या करेंगे हम लोगों के लिए, वो भी तो लड़ रहे हैं लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। फॉगिंग का व्यवस्था नहीं है, ब्लीचिंग का व्यवस्था नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। जटिल समस्या है कि मैं पूर्व में पिछले एक माह से कह रहा हूँ कि हर एक वार्ड में छिड़काव, हर एक वार्ड में फॉगिंग, हर एक वार्ड में कम से कम ब्लीचिंग का व्यवस्था कराया जाए। मैं वरीय जिला पदाधिकारी से भी मैं मिला, पूर्व डिप्टी मेयर के साथ, प्रीति शेखर जी के साथ, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब से भी मिले। आज आपके वार्ड में क्या हुआ? नहीं, हमारे वार्ड में एक बच्चा 12 साल का आज एक्सपायर कर गया इसी डेंगू से, और अभी तक मुझे कोई व्यवस्था नहीं मिली है। नहीं छिड़काव के लिए मिली है, नहीं फॉगिंग मिला है, नहीं ब्लीचिंग मिला है। और स्वास्थ्य परिवारी को फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है कि आप बात करो राकेश भारती से। राकेश भारती को फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि बात कीजिए स्वास्थ्य परिवारी से। मैं बहुत आहत हूँ और बहुत परेशान हूँ। हमारे वार्ड में अभी तक लगभग 30-40 पेशेंट हो गया है। विकराल रूप इख्तियार कर ली है, कहीं लगता है कि सरकार जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा और यह एक विकराल रूप लेता जा रहा। अगर वक्त रहते सरकार सचेत नहीं हुई तो यह एक महामारी का रूप लेगी और क्या होगा इसका अंजाम ये कहा नहीं जा सकता। भागलपुर के नाथनगर सिटीएस रोड स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन बुधवार को डीआईजी विकास वैभव और एसएसपी आशीष भारती ने फीता काटकर किया और उद्घाटन के साथ ही फॉरेंसिक लैब का कार्य शुरू हो गया। डीआईजी ने लैब में तैयार पहली जांच रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता को सौंपी। डीआईजी ने कहा कि फॉरेंसिक लैब की शुरुआत होने से समय पर अनुसंधानकर्ता को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। लैब का शुभारंभ होने से बिहार के 16 जिलों को इसका फायदा मिलेगा और समय पर एफएसएल रिपोर्ट मिलने पर पुलिस जाँच में तेजी आएगी, जिससे समय पर कांड का उद्भेदन होगा। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी निदेशक अवनीकांत त्रिवेदी ने कहा कि प्रयोगशाला में 15 वैज्ञानिकों की टीम रसायन और विस्फोटक प्रशाखा में कार्य कर रही है। बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है। रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भागलपुर काफी दिनों पहले एस्टेब्लिश हुई थी और अब पूरी तरह फंक्शनल होने की इसकी शुरुआत हो गई है। आज पहली बार 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को रिपोर्ट सबमिट दिए गए हैं जो पूरी जांच करने के उपरांत, और ये प्रक्रिया जब शुरू हुई है तो लगभग 16 जिले हैं पूर्वी बिहार के जिसके रिपोर्ट सब यहीं से जनरेट होंगे
और धीरे धीरे कुछ सेक्शन आज शुरू हुए हैं, बाकी सेक्शन भी पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे। इससे पुलिस के अनुसंधान में निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ेगा, अनुसंधान में गुणवत्ता लाने का जो प्रयास है उसमें निश्चित रूप से सभी को बेनिफिट मिलेगा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल की जीत सुनिश्चित करने भागलपुर दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को हेलमेट पहनने की नसीहत दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का पालन सबको करना चाहिए। दरअसल जगदीशपुर में मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान काफी संख्या में बाइक सवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया था। वहीं उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द आई बैंक की स्थापना होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एनके यादव, जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, जीप अध्यक्ष टुनटुन साह, पवन मिश्रा, कुमार प्रणय, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, रोशन सिंह सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। तो अच्छी बात है, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1986 में दंड का प्रावधान किया गया और ये 30 साल कितना हो गया, 86 या 30 साल हो गया, तो 30 साल के बाद उसको रिवाइज किया गया। नहीं, आप अगर हेलमेट कितने लोग बिहार में भी, ठीक है आंकड़ा मुझे मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 12-13 हज़ार लोग प्रति वर्ष बिहार के अंदर सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर रहा है तो कोई जनसभा कर रहा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। बुधवार को सबौर के फतेहपुर में राजद नेता तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करने वाले थे। तेजस्वी के आने की खबर सुनते ही मैदान में काफी भीड़ भी जुटी, लेकिन नेताजी समय पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद सभा स्थल पर मौजूद लोगों में मायूसी छा गई और लोग धीरे धीरे निकल पड़े। प्रत्याशी राविया खातून ने मौजूद भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बातों में ना आकर सभास्थल से चल दिए। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी रोड पर मंगलवार को बंधन बैंक कर्मी से 1 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने लूट के 40,000 रुपए बरामद किया है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि नया टोला मिर्जापुर निवासी लालजी यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हथियार की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी लालजी यादव मुंगेर भाग गया था। सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर गठित टीम ने मुंगेर में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना सहित सभी जिले में डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। वहीं भागलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। डेंगू की रोकथाम को लेकर बुधवार को जीवन जागृति सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्यों ने समाहरणालय के सामने धरना दिया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि शहर में लगातार डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2-3 साल की तुलना में इस बार बच्चों में सबसे अधिक डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं। फिर भी जिला प्रशासन और निगम प्रशासन इसके रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय नहीं कर रहा है। धरना पर बैठे कई बुद्धिजीवियों ने नगर निगम प्रशासन से सभी वार्डों में साफ सफाई और फॉगिंग कराने की मांग की। डॉक्टर अजय ने कहा कि जल्द डेंगू की रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाया गया तो पूरा शहर डेंगू की चपेट में आ जाएगा। मौके पर टीएमबीयू के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी, सोमेश यादव, डीएन चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। मैं एक चिकित्सक हूं और जीवन जागृति सोसाइटी का अध्यक्ष हूं। मैं चिकित्सक होने के नाते मुझे हर साल डेंगू के प्रकोप की जानकारी है, लेकिन इस बार जो डेंगू है वो कई गुना ज़्यादा है। हर 10 बुखार से पीड़ित बच्चे में 6-7 डेंगू के मरीज हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। वादों पर चोट करो, विकास के नाम पर वोट करो। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सुयोग कर्मठ एवं शिक्षित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को वोट करें एवं नीतीश सरकार के हाथों को और मजबूत करें। जनता की आवाज आप सबके चहेते लक्ष्मीकांत मंडल के चुनाव चिन्ह तीर छाप क्रमांक संख्या 2 पर बटन दबाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है।
झूठे वादों का साथ अब छोड़ो, सच्चाई से अब नाता जोड़ो। नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, सच्चा नेता है, ईमानदार, कर्मठ, शिक्षित और समाज सेवी। नाथनगर का भविष्य है यही। चुनाव चिन्ह एसी छाप क्रमांक संख्या 9 पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं, जो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में लाभुकों से राशन कार्ड देने के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली चल रहा है। रुपए नहीं देने पर काउंटर पर बैठे कर्मी राशन कार्ड देने से इनकार कर देते हैं। बुधवार की सुबह राशन कार्ड लेने पहुंचे ग्रामीणों से प्रत्येक कार्ड के एवज में 10 रुपए की वसूली की जा रही है। मजबूरी में लोग रुपए देकर राशन कार्ड लेने को विवश है। नौगछिया के तेतरी निवासी कुंदन कुमार ने कहा कि राशन कार्ड बनवाने से पहले वार्ड सदस्य को रुपया देना पड़ता है और उसके बाद जब राशन कार्ड लेने जाते हैं तो अनुमंडल कार्यालय परिसर काउंटर पर बैठे कर्मी को पैसा देना पड़ता है। रुपए नहीं देने पर कर्मी राशन कार्ड देने से इनकार कर देता है। पहले से मैं जो 5-5 बार आ चुके हैं, ठीक है, अच्छा आते हैं, ID भी दिए, अपना सारा प्रूफ दिए, बोला कि एक दिन आगे डीलर से लिखवा का पैसा 10% आदमी लेता है, 10 रुपए आदमी लेता है। किस का पैसा ले रहा है आप लोग को बताया गया है? मैं कुछ ना पैसा तो तब देंगे तो 10 रुपया। हाँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी उतरते ही ग्रामीण इलाकों में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। नारायणपुर प्रखंड के सहजादपुर पंचायत में डायरिया की चपेट में आने से 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सुदीन मंडल के 22 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार, रविंद्र मंडल की 3 वर्षीय बेटी आरती कुमारी और बंती मंडल का 2 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार शामिल है। जानकारी के अनुसार उल्टी दस्त होने के बाद तीनों का इलाज गाँव में ही चल रहा था। गाँव में कई लोग अब भी डायरिया की चपेट में है, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पंचायत के मुखिया रूपेश कुमार ने कहा कि सूचना देने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई और ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। गौरतलब हो कि 1 सप्ताह पूर्व पिपाथी और सनहौला में डायरिया से 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग इस पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल है। भागलपुर मुगलपुरा स्थित हजरत शाह हसन बासफा रहमतुल्ला अलैह का 80वां सालाना उर्स पाक संपन्न हो गया। इसके पूर्व अकीदतमंद लोगों ने हजरत शाह पीर बासफा की मजार पर चादर पोशी की और फातिया पढ़ा। उर्स पाक को लेकर पूरे दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें कव्वाल अशोक जख्मी और महराज वारसी ने अपने कलाम की शानदार प्रस्तुति दी। कव्वाली शुरू होने से पूर्व विधायक अजीत शर्मा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने दोनों कव्वाल को बधाई दी और क्षेत्र की समस्या के निराकरण का भरोसा दिलाया। कव्वाल अशोक जख्मी और महराज वारसी ने हजरत की शान में नातिया कलाम की प्रस्तुति दी। इस दौरान हजारों की संख्या में कव्वाली सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सऊद आलम और सचिव शेर खान ने बताया कि उर्स के अवसर पर कई जिलों के जायरीन पूरी आस्था के साथ आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कव्वाली की कुछ झलकियाँ। मेरे घर में आ,
लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर बुधवार को बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने बाराहाट थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ आम लोगों से पुलिस पब्लिक के रिश्ते को बढ़ावा देने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया, जिसके बाद एसपी ने लंबित पड़े मामले की समीक्षा की। इससे पूर्व थाना परिसर में एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष प्रक्षित पासवान सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर के सनहौला प्रखंड स्थित सिल्हन गांव में डायरिया के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में चिकित्सा शिविर लगाया गया है। शिविर में डॉक्टर सतीश कुमार एवं एएनएम माला कुमारी ने कई डायरिया से पीड़ित बच्चों की जांच की और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में एम्बुलेंस भी दिया गया। इस दौरान डॉक्टर ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर साफ सफाई और शुद्ध पानी पीने की सलाह दी। हम आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व डायरिया की चपेट में आकर गांव के 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने गांव में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की है। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका आलिया शवाजिया में सुप्रसिद्ध सूफी हजरत मौलाना शवाज मोहम्मद भागलपुरी का सालाना उर्स पाक अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उर्स को लेकर पूरे खानका परिसर की सजावट आकर्षक रूप से की गई है। सभी कार्यक्रम की अध्यक्षता सजादा नसीन सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शहबाजी कर रहे हैं। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले उर्स को लेकर मदरसा शहबाजिया के प्रधान शिक्षक मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि बुधवार को शाहजहानी मस्जिद में कुरान खानी का आयोजन किया गया, जबकि देर रात हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी के मजार शरीफ पर सजादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी और खानका परिवार के लोग चादर पोशी करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से फैल रही बीमारियों को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन की ओर से जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन के संस्थापक गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, साधारण बीमारी से लेकर ग्रामीण गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव के लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी के कारण मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा। भागलपुर में डेंगू के डंक से स्कूली छात्र की हुई मौत, नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। भागलपुर में फॉरेंसिक लैब का डीआईजी विकास वैभव ने किया उद्घाटन, अनुसंधानकर्ता को समय पर मिलेगा एफएसएल रिपोर्ट। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं ने झोंकी ताकत, कार्यकर्ता उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। बंधन बैंक कर्मी लूट मामले में शातिर अपराधी लालजी यादव गिरफ्तार, लूट के रूप में हुआ बरामद। और निगम प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर समाज सेवियों ने दिया धरना, डॉक्टर अजय ने दी आंदोलन की चेतावनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।